I think the name of the award says it all. It's Brands Vision. So People Human Brands is also other brands that have done exemplary work in the year, and therefore I'm very glad to be here to applaud for other people and you know, for the fantastic work that's happened in the year, because I think brand is about belief. It's about conviction. It's about passion, dedication, commitment, consistency, so many things, right? It's the coming together of so many things. So, yeah. Thank you. Yeah. Thank you. Oh my God. I don't know. I have no tips to give anyone. I think everyone should, you know, feel beautiful at all times. When you feel beautiful, you look beautiful. But thank you very much. I think I watched Manikarnika in the theater, and I was blown away by the amount of hard work that's gone in, because it's there for everyone to see. And the war sequences are probably amongst the best that I've seen in any Indian film. And congratulations to the entire team. Yeah, thank you. Thank you so much. Thank you. Thank you, ma'am. Thank you. I'm really excited to be a part of this award show, and I'm really looking forward to the show right now. You get awarded for your work, and 2018 has been really good for me. So with Sonu K22 ki Sweetie releasing last year, so getting appreciated for your work, I think a lot of people are getting awarded and respected for their work, which is a great thing. Thank you. इधर पे इधर पे सामने जी कार्तिक यू नो यू विकी एंड राज स्पेशली यू नो यू कंसीडर्ड लाइक दिस न्यू एज अपकमिंग टैलेंटेड एक्टर्स जी जी कंसिस्टेंट कंपटीशन इन इंडस्ट्री आल्सो यू नो हाउ डू यू सी विकी सक्सेस यू नो विद पूरी व्हिच हैज क्रॉस 200 क्रोर्स हाउ डू यू रिएक्ट टू दैट आई एम एक्चुअली रियली हैप्पी I'm really happy with all the successes that 2018 had, and 2019 with, in fact, with Uri also, and Vicky's film doing so well.
with Raj's films doing so well, Ayushman's films doing so well, I mean, ye bahut hi ek acha time aa gaya hai जिसमें कॉन्टेंट किंग है एंड इट्स नॉट जस्ट द नेम्स सो इट्स अबाउट कॉन्टेंट राइट नाउ विच इज़ अ ग्रेट फीलिंग टू हैव यू नो विद सोनू के टीटू की स्वीटी वर्किंग लास्ट ईयर फॉर ऑल ऑफ अस सो आई थिंक वी आर इन अ वेरी गुड स्पेस एंड ऐसे ये फिल्में और बन आई थिंक बिकॉज ऑफ दिस रीजन और ज़्यादा कॉन्टेंट स्पेसिफिकली हमारे हिंदी सिनेमा में और ज़्यादा आगे आ रहे हैं थैंक यू फोटो लॉन्च हुआ है आज जी बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है सर आई मीन फोटो मेरा फेवरेट ट्रैक है लुक्का छुपी से और ये रोमांटिक सॉन्ग है वैलेंटाइंस वीक है वैलेंटाइंस डे कल आ रहा है तो उस टाइम पे ऐसा गाना आना आई थिंक अभी तक कोका कोला भी बहुत बड़ा हिट हुआ है पोस्टर लगवा दो चल रहा है साथ साथ अब एक रोमांटिक सॉन्ग जो आया है विच इज़ फोटो वो टाइमिंग बहुत अच्छी है और गाना बहुत अच्छा है तो वो आई मीन लुका छुपी के साथ जो भी चीज़ें एक एक साथ आ रही हैं वो ऑडियंस को बहुत अच्छी लग रही है सो आई एम रियली रियली हैप्पी कि आज जो रिस्पॉन्स आया है फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं मैसेजेस आ रहे हैं फोटो को लेकर तो ऐसे गाने मिलते रहे और आगे जाके जी क्या प्लान्स हैं मेरे वैलेंटाइंस डे पे मैं मैं इस बार मैं मम्मी के साथ सेलिब्रेट कर रहा हूँ और या मैं क्योंकि मैं शायद किसी पार्टी में जा रहा हूँ मैं किसी के साथ अकेले शायद सेलिब्रेट नहीं कर पा रहा हूँ वैलेंटाइन नहीं है मेरे पास अभी सारा ऑपोजिट मी आई थिंक ये अगर ये इस फिल्म की बात हो रही है तो ये इम्तियाज़ सर से ही बात हो पाएगी बिकॉज मेरे को अभी तक इसका कुछ आइडिया है नहीं पूरी तरह से एंड अभी जो है फिल्म में उसमें लुका छुपी जो आ रही है और पति पत्नी और वो जो मैं ऑलरेडी जिसका स्केड्यूल लेके आया मैं थैंक यू हाँ फोटो एक्चुअली जब भी आप किसी के टैलेंट को किसी के काम को अप्रिशिएट करते हैं तो सबको अच्छा लगता है सो मुझे भी अच्छा लग रहा है कि ब्रांड विजन ने आज मुझे भी इस अवार्ड के लिए चुना है सो थैंक यू सो मच टू ब्रांड विजन एंड नेक्स्ट ब्रांड थैंक यू आपको क्या लगता है क्या कहना चाहिए इसके बारे में Of course, I'm happy and thank you so much to all the viewers जिन्होंने इतना प्यार दिया है और because उनका वो जो इंतज़ार था जैसे आप कह रहे हैं कि मुझे भी इंतज़ार था कि जल्दी से जल्दी हम लोग टी वी पर वापस आएँ और बहुत ही प्यार दिया है सब ने और टचवुड शो इज़ डूइंग वेरी वेल सो थैंक यू सो मच ये सवाल उनसे पूछो जिनकी शादियाँ नहीं हुई मेरा क्या मेरा हो गया अभी काम अब मैं तुम्हें क्यों बताऊं कि मैं स्पेशल क्या करने जा रहा हूँ
नहीं ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है, एक्चुअली हम लोग शूट ही कर रहे हैं उस दिन भी, पर कोशिश करेंगे कि मैं भी थोड़ा रोमांटिक हो पाऊँ। ऑन स्क्रीन तो बहुत रहता हूँ लोगों के साथ, तो अपनी बीवी के लिए भी अगर कुछ स्पेशल कर पाऊँ तो मुझे अच्छा लगेगा। मुझे मिल रहा है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मर एक्चुअली, सो वो तो मैं हूँ ही। थैंक यू। नहीं मैं देख नहीं पाया सॉरी, लेकिन मैं ज़रूर देखूंगा। नहीं लेकिन वो रिलीज़ हो चुकी ना शायद, उसके पहले आते हैं प्रमोशन के लिए, अब पर उन्होंने मेरे ख्याल से प्रमोट किया ही नहीं कहीं पे भी, वो गए नहीं शायद। सब चैनल की तरफ से आप ही हो। जी इट वॉज वंडरफुल एक्सपीरियंस, और मेरा एक कनेक्शन भी है बिकॉज इज ऑल्सो फ्रॉम अमृतसर, और दूसरी बात यह है कि मैं उसी कॉलेज से पढ़ा हूँ जहाँ पे हमारे डॉक्टर मनमोहन सिंह जी पढ़े हुए हैं, सो उनको मिलके बड़ा अच्छा लगा, तो मेरी बड़ी तमन्ना थी बड़े सालों से, तो मुलाकात हुई बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। मुझे नहीं खिंचवानी आती बताइए। आ जा मनी। I think they haven't got the picture. This is an amazing initiative by them to commemorate people from different walks of life, different professions, and I think it's such a great honor to be, winning here tonight. And I think as an artist, it's nice when somebody appreciates the work that you put in and what you do. So, I mean, thank you so much to Next Brands for doing this. बहुत अच्छा लगता है, आई थिंक कोई आपका काम को अप्रिशिएट करता है, सो आई थिंक दैट्स वेरी वेरी नाइस। और आई थिंक आज खाली एक्टर्स को नहीं, नॉर्मली अवार्ड फंक्शन सिर्फ एक्टर्स के लिए होते हैं, यहाँ पे अलग अलग लोगों को, किसी फार्मास्यूटिकल कंपनी से, किसी कॉर्पोरेट वर्ल्ड से, सबको आज कमेमोरेट किया गया है, सो आई जस्ट फील वेरी वेरी ऑनर्ड। आई एम ऑफकोर्स नाउ यू सी मी इन माई न्यू नेटफ्लिक्स शो कॉल्ड लैला, वी विल बी रोलिंग इट आउट वेरी वेरी सून। हाँ वो कॉपी कैट है, कॉपी करता है। वो बोलेगा अभी इस बार आप मेरी कॉपी कर रहे हो। हाँ ओके सॉरी। मतलब बचपन से जो मैं करती हूँ उसको वही करना होता है, तो इसलिए। बट इस टाइम आई थिंक वो मुझे बोलेगा कि आई एम फॉलोइंग हिज स्टेप्स। नो आई रियली थिंक दैट साकिब हैज गॉट सो मच अप्रिसिएशन फॉर हिज शो रंगबाज, एंड वी आर सो हैप्पी, आई एम सो प्राउड ऑफ हिम।
And I hope that, you know, and I think with both of us, we always keep competing with each other. It's a very healthy sort of a competition. So, yeah, we hope to continue that. Thanks. Thank you. अरे भाई मैं सॉरी सेंटर सेंटर थोड़ा चल ना अभी थोड़ा फोन में किसी को इधर पे आ रहे थोड़ा ये शॉट के लिए मैम हियर हियर थोड़ा सा लास्ट कलर लुक योर प्लीज Ready? Hi. Firstly, how are you looking forward to the evening and what capacity are you participating in? Are you going to be getting any awards? I hope so. Second time you're getting the award, so what does it See, he's very well informed. Well, I think it's always nice when somebody appreciates your efforts and your work and your style for that matter. I think that's what they've called me here for, which is very exciting. And because it's something that I used to not look into myself, and over the years, it's something that has evolved for me, which is my style. And I'm happy that they appreciate that. Thank you. Yes. Right. I'm looking forward to every film of mine which is coming out this year. There's quite a few, let me tell you that. Kalank is my next release, so very, very exciting times ahead. We are releasing in April and I'm really looking forward to that. I'm shooting a film which will release in August. Mission Mangal is releasing in August. We're almost done with that. I'm starting Dabang 3 in April, towards the end of April. And yeah, very, very exciting times going back to like home base for me with Dabang. So yeah, super fun times ahead. काफी बट इवन आई लाइक द ओरिजिनल वन बेटर. उसमें कोई मतलब कंपैरिजन ही नहीं है. यू नो, हम जब सॉन्ग रिक्रिएट करते तो ये सोच के नहीं करते कि हम ओरिजिनल से बेटर बनाएंगे, क्योंकि जब एक ओरिजिनल इतना आइकॉनिक गाना हो जाता है तो उसको ऐसे करना मतलब ठीक ही नहीं होता. वी ओनली ट्राइंग टू रीपैकेज दैट एंड गिव इट टू द जनरेशन ऑफ टुडे जो शायद वो पुराने गाने नहीं सुनते हैं. दैट इज़ द आइडिया बिहाइंड इट. एंड यू नो, फॉर मी एज एन आर्टिस्ट, मुझे बोला गया था कि वी वॉन्ट यू टू बी अ पार्ट ऑफ दिस सॉन्ग एंड बिकॉज वी डोंट सी एनीबडी एल्स परफॉर्मिंग इट. सो दैट्स अ बिग बिग डील फॉर मी, यू नो, दैट द मेकर्स फेल्ट दैट आई वुड डू जस्टिस टू द सॉन्ग एंड आई एम वेरी हैप्पी. आई हैव गॉटन अ वेरी वेरी गुड रिस्पॉन्स फॉर द सॉन्ग, फॉर द वे आई एम लुकिंग इन द सॉन्ग, फॉर द वे आई एम डांसिंग. आई पर्सनली रियली लाइक द सॉन्ग इज वेल. Yeah, I think overall this response has been good. Remake ke liye to har koi remake ke liye mixed response hi milta hai. Yeah. But it's better to focus on the positives. Right. Yeah. Also, double, triple of what you saw in the first two parts. Yeah. Thank you. Yes. I just told them that, you know, it's really nice when somebody appreciates your efforts and your work, and I'm really happy to be a part of this. It's the second time in a row that, you know, I'm being awarded over here. So I'd like to thank Next Brands, and always a pleasure to be back. Yes, thank you. Thank you. आयुष्मान सेंटर, आयुष्मान रुक गया, ये हाय, कैसे हैं आप लोग? Do you guys have
You have any questions? Tonight, is this that I'm always excited if there's a credible news channel which invites me for something, and Times Now is one of them. And it'll be fun being part of this award show. And I'm looking forward to some award also at the same time. So, because 2018 was tremendous for me. So yeah, I'm glad I'm here. What does Next Man Award mean? Next Brand Award means a lot to me. In fact, I think it's all about brand building when it comes to yourself as an artist, or maybe to a sports person, anybody. We all look forward to creating a brand for ourselves, and I'm glad 2018 was one such year for me, which helped me create my own niche in the industry. I don't know, I'm glad I was part of both Andhadhun and Badhaiyo. Both did really well, and both will be winning a lot of awards, and I'm expecting I should also get one. So let's see, fingers crossed, and we're expecting a lot this award season. Thank you. Thank you, thank you. Visual. Sir, throw down. Good. Well, first, I'm so excited to be here, so thank you so much for having me, and I'm excited to see everybody and what everybody's going to win tonight, and everybody works really hard when it comes to their brands and trying to be different and creating something new. Sure, I'm shooting my first South film called Rangila. I'm right in the middle of shooting now. It's very exciting. I came back late last night, so I could see you all here today. And I have two Hindi films, two South films, a TV show this year, so I'm very excited, very busy. God is great. Your show, Sketch Villa, doing very well. It's a very highly rated show. And both contestants, winner or not winner also, they're getting so much opportunities in Bollywood. What do you want to say regarding that? Sure. Something that I don't know if it gets aired or it does get aired. Something I tell each of the contestants when they first come into Splits Villa is that this is your opportunity to shine, to show your personality, your style statements, hair, makeup, what you wear, your shoes, your clothes, everything. And you should be exactly who you want to be. They are the next generation. They're the style and trend setters. They are the future, so it's important that at least I express to them that it's important that they shine through everybody else and just be who they are, and the world will love them. We're going to cut to a short commercial break and be right back while she goes on. Okay, thank you so much. Thank you.
Sort of conduct yourself like a business and you become your own product. So I think self-awareness about that is very important. And yeah, every actor is a brand onto themselves. No, I wasn't in the country. I was in London, then Ranchi, then Bangalore. It's on my Instagram since you're asking. Thank you. That means a lot. We all work very hard to become brands. And today we are happy that something like that is being celebrated and happy to be a part of it. Thank you. यार जब इंडोर्स करते हैं वो डिफरेंट चीज़ होती है अदरवाइज मैं बहुत ज़्यादा ब्रांड कॉन्शियस नहीं हूँ मैं बड़ा नॉर्मल हूँ उस मामले में इट्स नॉट ओनली दैट इट्स नॉट जस्ट अ ब्रांड विच मैटर्स टू मी बट हाँ इंडोर्स कर रहे होते हो तो आप बहुत चीज़ें ध्यान देते हो सो इट डिफरेंट मायने हो जाते हैं उससे यार मैं ऑनेस्टली बहुत ज़्यादा कोई वैलेंटाइंस डे पे सेलिब्रेशंस नहीं करता बट हाँ मेरी वाइफ है आई विल मेक श्योर शी फील स्पेशल बट हाँ यही चाहता हूँ शांति बनी रहे वैलेंटाइंस डे पे बस इतना ही है वाई नॉट यार टोटली डिपेंड्स ऑन भाईजान व्हेनेवर ही थिंक्स दैट आई फिट द रोल I don't think वो एक बार भी सोचेंगे वो डेफिनेटली मुझे कॉल करेंगे उस पर बट उनके साथ I'm more of a friend and family to him so it's I don't ask for work उनके साथ डेफिनेटली डिस्कस करता हूँ बट एक मुझे पता है जब उनको लगेगा कि मैं रोल फिट करता हूँ वो डेफिनेटली कॉल करेंगे थैंक यू थैंक्स लॉट गाइस